सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। नेपाल में बाढ़ और लैंडस्लाइड में जो लोग फंसे हैं, मध्य प्रदेश के 3 शहरों के 22 श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए, बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के 22 श्रद्धालु काठमांडू में फंसे हुए हैं। सभी पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए गए थे, जहां पर बाढ़ के वजह से, लैंडस्लाइड के वजह से वहां पर वो फंस गए हैं। सरकार से सुरक्षित बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, डिंडौरी के 7 लोग हैं, मंडला का 1 श्रद्धालु है, जबलपुर के 6 हैं और रीवा के 8 श्रद्धालु इसमें शामिल है। जबलपुर कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। हेल्पलाइन नंबर अगर आपके परिजन वहां पर फंसे हुए, नोट कर लीजिए नंबर 07612623925, 07612623925। ये हेल्पलाइन नंबर जबलपुर कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया है। संयुक्त कलेक्टर अनुराग सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है और इनका मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जो कि है 9713813496 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभावित परिवार सहायता के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, हेल्पलाइन नंबर जो कि जबलपुर कलेक्टर ने जारी किया है, वो हेल्पलाइन नंबर है 07612623925, जिस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 22 लोग काठमांडू में फंसे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि प्रारंभिक रूप से जो इनपुट आया था वो ये था कि 5-6 श्रद्धालु जबलपुर के फंसे हुए, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ गया, 22 लोग वहां पर फंसे, सभी सुरक्षित है कि नहीं? जी बता दें कि अभी तक कोई भी अनहोनी की सूचना तो सामने नहीं आई है, और यहीं अभी हम बात करें तो करीब 22 लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, मंडला, डिंडोरी से वहां पर फंसे हुए हैं, और यह सभी काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, और उसके बाद जब वहां से लौट रहे थे तो काबरे में अचानक से तेज़ बारिश होने के कारण पुल गिरता है, और लगातार तेज़ बारिश होने के कारण नदी उफान पर आती, जिसके चलते यह वहाँ पर 22 श्रद्धालु फंसे हुए, और लगातार यह भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं और वहाँ के दूतावास से आग्रह कर रहे हैं कि हमें निकालने का प्रयास किया जाए। हालांकि उन्होंने यह आरोप भी लगाए कि दूतावास की ओर से उन्हें कोई मदद नेपाल में नहीं की जा रही है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि यहाँ से जो अनुराग सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है वह क्या बात करते हैं, और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस पूरे मामले में खुलकर सामने आए। उनका कहना है कि जो हर संभव मदद है हम इसमें इन श्रद्धालुओं के साथ करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द वापस अपने स्वदेश लेकर रखिए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित मध्य प्रदेश लाया जा सके। तमाम जानकारी के लिए दीपक, शुक्रिया आपका।